देखना है कोई किस तरह बुझाता है मेरे चराहों को। लड़ना हवा से आता है ये देखना है। सितारों को मात कर दूंगा मैं, इस जमी के सरों को चांद कर दूंगा, ये देखना है। चश्म जादू बसत जे पे हम
बबुर दुख तस्की किसे पड़ी है जो जा सुनाए, किसे पड़ी है जो जा सुनाए। प्यारे पी को हमारी बतिया, प्यारे पी को हमारी बतिया, किसे पड़ी है जो जा सुनाए, प्यारे पी को हमारी बतिया, किसे पड़ी है जो जा सुनाए, प्यारे पी को हमारी बतिया। शबाने हिजरा दराजू चू जुल्फ, शबाने हिजरा दराजू चू जुल्फ, बारोज वसलत चे उम्र को ता, बारोज वसलत चे उम्र को ता। शबाने हिजरा दराजू चू जुल्फ, रोज बसलत चे उम्र कोता। सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। विशाले दिलबर, बहके रोजे विशाले दिलबर, के दाद मारा फरेब खुसरो, के दाद मारा फरेब खुसरो। बहके रोजे विशाले दिलबर, के दाद मारा फरेब खुसरो, प्रीत मन की लगाए राखूं, प्रीत मन की लगाए राखूं, के जाए पाऊं पिया की गतियां, के जाए पाऊं पिया की गतियां। प्रीत मन की लगाए राखूं, के जाए पाऊं पिया की गतियां, प्रीत मन की लगाए हाले मिसकी मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बतिया, से हाले मिसकी, से हाले मिसकी, से हाले मिसकी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह। ओए हजरत खुसरो भी तो अफगान थी। हाँ बेशक बेशक। लो भाई अपना इनाम, कलाम तो खूबसूरत था ही, तैयारी भी अच्छी थी। खुदा हाफिज़। ओए हसन खान, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ओ तू जब भी जौनपुर आता है, ओए क्या क्या महफिल सजाता है। ओए अभी तू रहेगा ना, ओ मेरे गरीब खाने पे आ, खाना नोश फरमा, अरे मेवों से भरा मुसल्लम दुम्बा खिलाऊंगा। वे बिरादर, मैं अपने हाकिम जमाल खान से मिलकर उनके अहकाम लूंगा और कूच कर जाऊंगा। अरे भाई कौन सा जंग पे जाना है जो कूच कर जाएंगे, बीबियों के पास ही तो जाना है। भाई बिरादर मैं सच बोलूं, अगर आप न होते तो मैं ये जागीर संवार नहीं सकता था। हाँ आमिर खान साहब, ये हसन खान आपकी इज्जत तो बहुत करता, बहुत भला आदमी है। और फरीद खान भी नया बेटा है, पूरे सूर खानदान की आबरू है, बड़ा जहीन बड़ा बहादुर। छोड़ो बिरादर, बहादुर तो हम सब सूर खानदान का लोग, लेकिन इनमें से पढ़े लिखे कितने, यहाँ जितने बैठे इनमें से फरीद खान जितना पढ़ा लिखा कौन है? फरीद का बाप हसन, हसन खान, वो भी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बैठे हैं पूछ लो। भाई पहले ये तो मालूम हो कि फरीद खान कहाँ तक पढ़े हैं, तब कोई इस बात का जवाब दे। ओए हसन खान तू कैसा बाप है, और तुझे नहीं मालूम तेरा बेटा कितना पढ़ा है? उसका शादी हो गया ये तो मालूम है, ओए क्या ये भी नहीं मालूम? ओए शर्माती क्यों है, इसमें शर्माने का क्या बात है? ओए हर औलाद नादानी में माँ बाप से नाराज होता है,
वो तो बाप है, बाप ही रहे, वो बेटे से क्या मुकाबला। ओए बिरादर, कौन मुकाबला कर सकता है अपनी औलाद से। ओए बुढ़ापे की मोहब्बत बहुत खतरनाक होती, इस पे कुछ भी हो सकता है। जमाना बहुत खराब है, मगर आपका बेटा फरीद खान बहुत अच्छा। गरीब और नदर उस जगह की चूमता जहाँ से वो गुजरता है, उसके मत पे बादशाह का नूर है। ओए हसन खान, तुमने उसको इधर किधर छोड़ा है। ओए अपने साथ ले जा, अपना जागीर का काम उसको सौंप, फिर देख तू कैसा तरक्की करता है। अरे मियाँ, मैं तो सच कहता हूँ, तेरा सर गुनाह धुल जाएगा। हम सब सूर खानदान के लोग, पूरे कबीले की यही राय है कि फरीद खान अपनी जागीर संभाले, हमारे दुश्मन पसपा हो और सूर खानदान का झंडा बुलंद हो। आप जैसा चाहते हैं, मैं वैसा ही करने की पूरी कोशिश करूंगा बिरादर। वो तेरा छोटा बीवी तेरे काबू में नहीं है। वो तेरा चार बीवी तो क्या हुआ, वो इसको देख, इसका भी चार बीवी है और इसका भी तीन बीवी है और मेरा तो दो है। अरे क्या मजाल के किसी का औलाद ऐसा घर छोड़ के भाग जाए। नहीं, वो शेर का बच्चा है, उसे आमने सामने मारना बहुत मुश्किल होगा, उसे दोस्ती करके ही मारना होगा, मगर इसके लिए ज्यादा रकम की जरूरत होगी। रकम तो जितनी मांगो मिलेगी, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, फरीद की मौत। फरीद की मौत, उसकी मौत का जबरदस्त नक्शा तैयार है, बस आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत, ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है। रही ज्यादा रकम, उसके लिए तुम्हें फिर आना होगा। शमशेर, क्या फरीद पर हमले में तुम भी शामिल थे? जी हाँ। यानी फरीद अब तुम्हें देखे तो क्या पहचान सकता है? शायद नहीं। तुम्हारे साथ ही? उनमें से दो मेरे साथ है और एक मौके पर पकड़ा गया। जो पकड़ा गया वो तो तुम्हें पहचान सकता है। मगर मेरा नाम नहीं जानता। जब उसने पहचान ही लिया तो नाम में क्या रखा है, उसके बाद मेरे नाम में क्या रखा है, मुझे भी तो पहचाना जा सकता है। मेरे होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी। मुझे यकीन है, मुझे इस पर भी यकीन है कि तुम ही वो सिलसिला हो जिसके जरिए मुझ तक पहुंचा जा सकता है। और मैं पत्थर हूँ, पत्थर की तरह मजबूत। जब पत्थर जबरदस्त दबाव में आता है तब मिट्टी बनता है। तो क्या तुम मिट्टी हो, मिट्टी बन गए हो या बनने वाले हो? मैं ये तो नहीं जानता, अगर मैं मिट्टी भी हूँ तो भी आपके कदमों से ऊपर नहीं उठूंगा। मैं चलूंगा। आ जाओ और वक्त का इंतजार करो। बाहर, बाहर तुम्हारा वक्त इंतजार कर रहा है। जमींदारी करते हैं और रात में डाके डालते हैं। आपको तो बहुत मुश्किल हो रही होगी। बहुत मुश्किल हो रही है। दिन के शाह रात के चोर, किसको पहचानो, कैसे पहचानो, किस पर एतबार करो किस पर ना करो। मेरा दिल तो बस इलाके में लगा हुआ है। ये अपने मालिक जमाल खान साहब कब तक वापस आएंगे, उनसे मुलाकात हो और मैं भागू। अब क्या बताऊं हुजूर, कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, मगर आज नहीं आएंगे। अब रात हो गई है, शाम होने के बाद वो सफर नहीं करते, जहां शाम पड़ती है बस वहीं डेरा डाल देते हैं। ओए इसका मतलब तो ये हुआ मुझे आज भी रुकना पड़ेगा। अब क्योंकि उन्होंने तलब किया था इसलिए उनसे मुलाकात भी जरूरी है और कुछ सलाह भी लेनी है उनसे। किसके बारे में? अपने बेटे फरीद साहब के बारे में। इस वक्त तो वो भी जौनपुर में नहीं है। वो तो मुझे मालूम है भाई,
सलाह लेनी है उन कातिलों के बारे में जो इलाके में फैल रहे हैं। मैं तो ये जानता हूँ हुजूर, जब वक्त रंग बदलता है तो सिपाही भी कातिल हो जाता है। छोकरे को मारने के बाद उसके बाप को भी मारना होगा, समझा बे? अच्छी बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाप को मारते ही उसकी सारी जागीर और चौथी अलबेली बीबी अपनी। आज पहली बार देखा है उसे बड़े गौर से, बहुत खूबसूरत है। हाय कमबख्त, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना जागीर में। अबे तब तुझे एक फटीचर अजर भी नहीं, आधी जागीर तेरे नाम लिख देंगे। जागीर का मालिक क्यों नहीं बन सकता अम्मा? बनोगे मेरे लाल, उसी वक्त का तो इंतजार कर रही हूँ, तुम भी इंतजार करो। आखिर कब तक? ये जागीरदारी कुदरत ने ऐसे किनारे पर लाकर रख दी है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए लाशों के पुल पर से गुजरना होगा। तो क्या हमें भी लाशों के पुल बनाने होंगे? नहीं, तुम्हें क्यों, मैं जो हूँ तुम सिर्फ इंतजार करो। मैं अपने आराम गाह में सोता हूँ, जब जागीर मिल जाए तो जगा देना। चलो अहमद। हालत में? हाँ, मैंने शमशेर खां और उसके साथियों को खत्म कर दिया है। ये मेरे चेहरे और मेरे हाथों पे खून के निशान देख रही हो? ये उसी कमीने शमशेर खां के हैं। मैंने अकेले दम मारा है उन्हें, अकेले दम, किसी की मदद नहीं ली। अब खुश? इतनी रात में इस तरह बगैर मेरे इशारे के कैसे आ गए तुम? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं न मैं रात देख सका और न तुम्हारे इशारे का इंतजार कर सका, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश नहीं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मगर तुम इतनी ऊंची खिड़की तक चढ़े कैसे? अरे हम तो वो हैं जो ऊंचे से ऊंचे किले बांध जाते हैं, फिर उस मामूली खिड़की की क्या बिसात। तुम बहादुर हो, मुझे तुम पर फख्र है। उस खिड़की के नीचे तो घना जंगल है, कोई और होता तो हिम्मत नहीं कर सकता था। दिलावर मुझे बताओ ना कि तुम उस खिड़की तक चढ़े कैसे, वो भी उस बेहद जंगल के रास्ते से होकर। देखो बहुत अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं देता,
लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ। आओ चलो चलो जल्दी चलो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस तरह रस्सी पकड़कर ऊपर आया। हाँ हाँ मुझे दिखाओ ना। मैंने रस्सी को इस तरह से पकड़ा और पकड़कर दीवार का सहारा लेकर मैं ऊपर की तरफ इस तरह से میں علاقے میں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں حضور، حسن خان صاحب آپ کے سفر پر جانے کے دوسرے ہی دن آ گئے تھے، تب سے جونپور میں ہی ہیں اور آپ سے ملنے کو بے چین ہیں۔ کیوں بھائی؟ علاقے کے حال کچھ اچھے نہیں، جلد واپس جانا چاہتے ہیں۔ کیوں، ایسی کون سی آگ لگ گئی ہے علاقے میں؟ حضور اب یہ تو وہ ہی بتا پائیں گے۔ ٹھیک ہے تو انہیں بھیجو۔ جی حضور۔ کیوں بھائی حسن خان صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں؟ اب کیا بتائیں حضور، چاروں طرف قاتلوں بدماشوں لٹیروں نے سر اٹھایا ہوا ہے۔ علاقے کے جنگلوں میں چور ڈاکوؤں اور باغی زمینداروں نے پناہ دینا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، اگر چور اور ڈاکو کی برابری زمیندار اور جاگیردار کرنے لگے تو کیا حال ہوگا؟ یہ آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے حضور، کیونکہ حکومت کے معاملے میں جو تجربہ آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اسی تجربے کے بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنے علاقے کے دوسرے جاگیرداروں کی طرح ہو گئے ہیں اور یا ہونے والے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ وہی جو دیکھ رہا ہوں میں، تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت جلد باغی ہونے والے ہیں۔ نہیں سرکار، ایسا نہ کہیں، آپ مجھے آج سے نہیں ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن اب جو کچھ جان رہا ہوں کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ آپ اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں۔ پٹھان اور جھوٹ، پٹھان اور مکاری، سچ بول نہیں سکتے تو سچ سننے کی ہمت رکھیے۔ آپ نے فرید خان اپنے بیٹے کے بارے میں جو مجھے خط لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے ناراض ہو کر بھاگ گیا ہے۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے اور آپ کی چوتھی بیوی نے اس کا سانس لینا حرام کر دیا تھا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں سرکار؟ سچ بول سکتے ہوں تو زبان کھولیے، ورنہ کان کھول کر سنیے کہ اب آپ کو نہ جونپور کا ہوش ہے، نہ سہسرام خواسپور ٹانڈا کا، نہ فرید کا، نہ میرا اور نہ اپنا۔ سمجھنا ہے مشغلہ میرا، کسی کے پاس کہاں ایسا حوصلہ۔